तो गाइस फाइनली 3:50 पे जो फेरी से नीचे उतर रहे हैं, ठीक है, कोसुमाई आइलैंड पे। और फेरी की जर्नी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। आई होप आपको ये जर्नी पसंद आई होगी। मैंने आपको सारी दिखा दी फेरी, देखो इस प्रकार है, जो साफ़ सफाई भी होने लग गई है। तो काफ़ी अच्छी रहती है जर्नी, सिर्फ 180 बात की थी अगर आप डायरेक्टली फेरी स्टेशन से लेते हैं। हमारा तो पूरा 1000 बात का जो आज का ट्रिप है कम्प्लीट हो चुका है। टाइम भी शाम के 4 बज चुके हैं और आज का पूरा खर्चा लगभग अभी तक जो कह सकते हो 6 रुपये की सुबह पानी की बॉटल ली थी, 65 रुपीज़ का अभी चिप्स और वो लिया था ब्रेड सा, और प्लस 1000 वो, तो लगभग अभी तक आप कह सकते हो कि 1100 रुपये के आसपास ही खर्च हुए, इससे ज़्यादा हुए नहीं। अभी देखते हैं कि जो टुक टुक वाला है या यहाँ पे हमारे हॉस्टल तक जाने के कितने लगते हैं। एक बीच के पास है, एक नया सा हॉस्टल था जो बुक किया है, आपको हॉस्टल का भी टूर कराऊंगा, कैसे जाते हैं वो सब भी बताऊँगा। एक घंटे 1.5 घंटे की राइड के बाद पहुँच चुके हैं, ठीक है, सुमाई आइलैंड पे। तो सामने आप देख ही सकते हो, लिखा भी हुआ है वेलकम टू सुमाई। टाइम की बात करें तो आपको टाइम भी बता देता हूँ, और बाहर अभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तो टाइम हो रहा है 3:40। उन्होंने हमको जो एस्टीमेट दिया था वो भी हमको 3:30 बजे का दिया था, तो बिल्कुल राइट टाइम पे ऑलमोस्ट हम पहुँच गए। और सामने आप पढ़ भी सकते हैं, लिखा हुआ है वेलकम टू कोसुमाई। और यहाँ पे अभी पोर्ट्स है, जो बोट हमारी कनेक्ट हो जाएगी बोट ऐसी एक पोर्ट से, और फिर हम उतर के सब चले जाएंगे। सामने देखते हैं वो शिप भी कितना ज़्यादा बड़ा, वो तो इससे भी अल्ट्रा लग्जरी है, हम तो फिर भी फेरी में है। वो फेरी जो सामने लाल सी खड़ी वैसी होती है, और जिसके सामने देखो वो अल्ट्रा लग्जरी शिप है। उतर जाएंगे तो बोटिंग हो जाएगी, बाहर धूप काफ़ी ज़्यादा है, बट जो व्यू है काफ़ी ज़्यादा ऑसम है। थोड़ी बोटिंग करने में आप आराम से जा सकते हैं, बट जो धूप है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा तीखी लग रही है। और आइलैंड अभी से ही पता लग रहा है कितना ज़्यादा सुंदर होगा, क्योंकि वाटर है जो यहाँ का एकदम ग्रीन और जो होता है ना अच्छे टाइप का, पूरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो मैं भी देखो अभी ऐसे डिबोर्डिंग कर रहा हूँ, तो अभी शायद दूसरे लोग हैं जो चढ़ने के लिए खड़े हैं। ऐसे ही एक फेरी से लोग उतरेंगे और फिर से दोबारा उसमें चढ़ जाएंगे, जैसे यहाँ देखो इस वाले अंदर खड़े हैं वापस जाने के लिए। तो शायद ऐसे ही पूरा दिन फेरी के चक्कर चलते रहते हैं आने जाने के। तो काफ़ी व्यूज़ है जो आपके यहाँ पर आने वाले, और यहाँ पे बाहर निकलते ही आपको यहाँ पे ठीक है मोटर बाइक वगैरह मिल रहे हैं। तो जिस भी डेस्टिनेशन पे आपको जाना है, मोटर बाइक पे अगर आप सोलो पर्सन हो तो मोटर बाइक पे जा सकते हो। हम अभी थोड़ा और जाके आगे जाके एक्सप्लोर करते हैं कि क्या ऑप्शंस और है जो मिल सकते हैं। फेरी स्टेशन पे तो नहीं मिला कुछ, अभी है जो फेरी स्टेशन से चल के वॉक करके बाहर जा रहा हूँ। बाहर जाके देखता हूँ अगर यहाँ पे कोई लोकल टुक टुक या कुछ मिलता है, या मोटर बाइक वगैरह ही रेंट कर लेंगे, क्योंकि जितना टैक्सी का जाएगा उतने में तो कल तक की मोटर बाइक रेंट हो जाएगी। तो ऐसे आपको कुछ चल के जाना पड़ेगा, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो स्टेशन से बाहर आके ऐसा कुछ पूरी सिटी है जो आपको देखने को मिलने वाली है। तो अगर आपको ज़्यादा दूर जाने के पैसे नहीं खर्चने, तो आप यहीं कहीं है जो आसपास अपना होटल हॉस्टल ढूंढ सकते हैं, जो आपको काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। मैं तो यहाँ ट्राई कर रहा हूँ कि अगर स्कूटी में रेंट करने के लिए कुछ चीज़ मिल जाए, बाकी अगर यहाँ से पूछ के ट्राई करते हैं रेंडमली अगर कोई लामाई बीच के लिए मिलते हैं शेयरिंग में। तो ऐसे बाहर निकल के ना ऐसे आपको मोटर बाइक्स पे ले जाएंगे, बड़े मोटर बाइक्स के भी काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, 200-300 भात ऐसे, वो तो काफ़ी ज़्यादा ही कॉस्टली लग रहा है। अभी हमको यहाँ से ठीक है, हमने आइसक्रीम वाले से पूछा था, वो कह रहे थे कि लामाई बीच के लिए बस आएगी, तो मैं तो अभी यहाँ पे बस का वेट कर रहा हूँ, हम बस से ही जाएंगे, ज़्यादा महंगे पैसे नहीं खर्चेंगे। यहाँ पे वेट कर तो ये लगभग 30-40 मिनट का समय हो गया, कोई भी जो बस वगैरह नहीं मिल रही, जो चीप ऑप्शन कह सकते हो आप टैक्सी मिल रही थी, लेकिन वो 600 भात मांग रहा है लामाई बीच तक जाने के, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है पड़ जाएगा, क्योंकि 200 भात का स्टे है और 600 भात सिर्फ जाने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा घूम के पता कर रहा हूँ कि कैसे हम चीप में जा सकते हैं। अगर मैं मोटर बाइक भी ले रहा हूँ तो उस पर भी वो 300 भात मांग रहे हैं, जो कि थोड़े ज़्यादा हैं, तो थोड़ा बहुत और ट्राई करते हैं, अगर कोई और ऑप्शन मिलती है, नहीं मिलेगी तो फाइनली करके जाना ही पड़ेगा। फाइनली जो एक टुक टुक से बात हुई थी, उसने कहा था न्यू वाली जो फेरी आएगी उसमें से अगर कोई सवारी मिलेगी तो चल पड़ेंगे, 150 पर हेड के हिसाब से। तो हमको उसने अभी बुला लिया फाइनली, तो 150 पर भात दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सेव कर लिया। तो ये है ठीक है लामाई बीच के लिए हमको मिली है सामने टुक टुक। तो ये मेरा थाईलैंड की टुक टुक में पहला सफ़र है जो रहने वाला है, तो चलो सारे चैलेंजेस अच्छे अच्छे देख रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सेव कर लिया अभी, कहाँ 600 लग रहे थे कहाँ सिर्फ 150 भात लगेंगे। तो चलते हैं अभी लामाई बीच पे। यहाँ पे 2 बीच है, लामाई बीच और चवैंग बीच, मुझे दोनों के बारे में नॉलेज नहीं थी, तो इसलिए मैंने जहाँ पे सस्ता स्टे था लामाई बीच पे बुक कर लिया। बट यहाँ पे जो पार्टी प्लेस है, जो ज़्यादा अच्छी लोकेशन है, वो कह रहे कि चवांग बीच है, वहाँ पे सबसे अच्छी जो पार्टी लाइफ है कोसुमाई की होती है, तो आप वहाँ बुक कर सकते हैं अगर आपको। का सफ़र भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, देखो ऐसे कुछ टुकटुक का सफ़र रहने वाला है, और लगभग 23-24 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो तय करने वाले हैं 150 बात के हिसाब से। देखते हैं कितना टाइम और लग जाएगा और वहाँ पहुँच के कैसा है जो हॉस्टल वगैरह रहने वाला है। वाले
में गाने नहीं बज रहे, टिकट वाले में गाने बज रहे। तो गाइस फाइनली यहाँ पे लामाई बीच पे उतर गए हैं, ठीक है। तो टुक टुक ने 150 भाग लिए और लामाई बीच पे उतार दिया। इसके बाद अगर आपको दूसरे बिंग पे आना चवैंग बिंग, वो भी इसी ये वाला ऑटो आपको छोड़ देगा आगे, ठीक है। तो अब मैं भी अपना सामान उठा के जाता हूँ हॉस्टल की। तो गाइस ठीक है, हॉस्टल में आ चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्लेस है, जहाँ पे ऑटो वाले ने उतारा बिल्कुल वहीं पे, मतलब सिर्फ एक मिनट की वॉक भी नहीं करनी पड़ी, बिल्कुल साथ में ही था। और अभी इस कार का कुछ डॉम है यहाँ पे, जहाँ पे हम रहने वाले हैं, इनसे चंद लाइट्स। तो ये अपना डॉम है, अभी यहाँ पे चढ़ जाएंगे, देखते कौन सा बेड है जो हमको ऑफर करते हैं और फिर रहेंगे यहाँ पर। तो गाइस अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो आपको ना कोसुमाई आइलैंड पे पहुंच जाना है और वहाँ से आपको टुक टुक लेके या टैक्सी करा के, ठीक है, आपने जहाँ पे भी अपनी बुकिंग वगैरह करा रखी होगी वहाँ पे आ जाना है। तो अगर आपने अपनी बुकिंग कराई है लामाई बीच पे तो आपके लिए ये हॉस्टल बिल्कुल बेस्ट रहने वाला है, जो भी मैं दिखाने वाला हूँ। नाम वगैरह लिंक वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट अगर आपको पार्टी वगैरह करनी है तो आप चोआंग बीच जा सकते हैं, जो कि अपनी पार्टी और नाइट लाइफ के लिए फेमस है, जो कि मुझे भी यहीं आके पता लगा था। मैंने रैंडमली बुक किया था बट बहुत ही अच्छा बुक किया है लामाई बीच पे, जहाँ पे है बिल्कुल सामने मुझे टुक टुक ने उतारा था। यहाँ से मैं चल के आया, ये एक्सचेंज काउंटर आपको दिखेगा, एक्सचेंज काउंटर के बिल्कुल सामने आपको दिख जाएगा, ठीक है, ओजाक हॉस्टल, जो अभी अभी लेटेस्ट ही खुला है। इसका जो नाम वगैरह है मैं तो सही से नहीं ले पा रहा, बट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और सबसे पहले तो ये है ना, सबसे पहले रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे अपनी एक अलग ही पार्टी वाइब है। इसके बिल्कुल सामने आपको एक्सचेंज मिल जाएगा, बिल्कुल सामने एक और बड़ा रेस्टोरेंट है जहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह आप सब खा सकते हो। और सबसे अच्छी बात कि बिल्कुल सामने है यहाँ पे 9-11, जिससे आप सस्ते से सस्ता खाना पीना सब खरीद सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये नया नया खुला है, अभी लेटेस्ट ही जो इन्होंने ओपन किया है। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि पूरा यहाँ पे, ठीक है, पार्टी एरिया। यहाँ पे सुबह 3 या 4 बजे तक लगातार पार्टी चलती है, तो बहुत ही अच्छी वाइब यहाँ पे बना रखी है। और अच्छी बात तो यह है कि इन्होंने लेटेस्ट कंस्ट्रक्ट किया है इसको। उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पूरा पार्टी का एरिया आप देख सकते हो, और जिनको ड्रिंक्स वगैरह करनी है उनके लिए ड्रिंक्स, ठीक है, वो सब भी यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद आगे जाओगे तो इनका यहाँ पे हॉस्टल एरिया भी बन रहा है। अभी यहाँ पे सिर्फ आप कह सकते हो एक ही डॉर्मेट्री, 8-बेड डॉर्मेट्री अवेलेबल है, बट कुछ दिनों में और डॉर्मेट्री भी बनने वाली है। तो यहाँ पे देखते हैं, ऐसा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ है। यहाँ पे कॉमन वॉशरूम्स है जो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ दोनों साइड आपको ब्रश वगैरह करने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद आगे जाओगे तो यहाँ पे आपको और रूम्स बन रहे हैं। ये रूम्स अभी बन रहा है प्राइवेट रूम, हमारा जो डॉम है ये वाला है, तो डॉम के अंदर भी आप जा सकते हो, ठीक है। तो अभी देखते हैं अगर कुछ होगा तो, नहीं तो, तो ऐसा कुछ डॉम है जो आपको देखने को मिलेगा। और ऐसे रूम्स अभी बन रहे हैं, ये पूरा है जो अभी थोड़े दिन में कंस्ट्रक्ट होने वाला है, तो आपको और भी ज़्यादा ऑप्शंस है जो देखने को मिल जाएगी। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ 8-बेड डॉर्मेट्री अवेलेबल है, जिसका प्राइस मैंने पे किया है 200 बात एक नाइट के लिए। आने वाले टाइम में जैसे ही ये रेनोवेट हो जाएगी तो प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट आपको काफ़ी अच्छे रेट पर काफ़ी अच्छी वाइब मिल जाएगी। अगर आप एक पार्टी हॉस्टल ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो क्राउड है, बाहर वाला क्राउड, देखो हॉस्टल का क्राउड तो हो गई, बट उसके साथ साथ बाहर वाला क्राउड भी यहाँ पे रहने वाला है जो पार्टी करने के लिए आने वाला है। तो लाइटिंग यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, गाने वगैरह बज रहे हैं, जो सब आपके लिए अवेलेबल है। तो हॉस्टल तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अभी आपको थोड़ी देर यहाँ के ओनर से भी बात कराता हूँ, उसके बाद यहाँ से हम जाएंगे, ठीक है, बीच तक पैदल। उसका रास्ता भी आपको दिखाऊंगा कि कितना पास यहाँ से बीच है। सब कुछ बहुत ही ज़्यादा प्राइम लोकेशन पे है, 7-11 बिल्कुल सामने, एक्सचेंज सामने, बीच सामने, तो यहाँ पे स्टे करने के लिए आपके लिए बेस्ट रह सकता है। उसके बाद आपको यहाँ के ओनर से भी बात कराता हूँ, जो अपने थोड़े बहुत जो व्यूज़ हैं उनके शेयर कर देंगे, फिर चलेंगे हम बीच की तरफ। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पर आप देख सकते हो गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है। तो गणेश जी के भी यहाँ थाईलैंड में काफ़ी ज़्यादा फैन है और काफ़ी ज़्यादा मंदिर वगैरह भी है, तो ये भी अच्छी बात है। और डेफिनेटली इंडियंस के लिए भी ये फर्स्ट चॉइस है जो रह सकती है। टाइम हो रहा है शाम के 6:30 बजे और नहा धो के रेस्ट करके बिल्कुल फ्रेश हो चुके हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे हम आए हैं, ठीक है, पेटोंग बीच फुकेट से कोसुमाई आइलैंड तक, और कौन से हॉस्टल में स्टे किया है उसका नाम भी आपको बता दिया था। अभी उस हॉस्टल का टूर है जो आपको अगली वीडियो में कराने वाला हूँ, और कोसुमाई में बीच दिखाने वाला हूँ, तो अगली वीडियो में आपको सबको दिखाता हूँ। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई डाउट्स वगैरह हो तो स्टिल मुझे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हो, आपके सारे डाउट्स है जो मैं कि कैसे आपको फुकेट पेटोंग बीच से
कोसुमाई आइलैंड तक आना है। तो सारे डाउट्स आपके मैं क्लियर कर चुका हूँ इस वीडियो में, फिर भी कोई बचता है तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं ऐसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो है जो मेरी पसंद आई होगी। तो अगर आप भी सोच रहे हैं जाने का इंडिया से थाईलैंड के लिए, तो मेरी ये सीरीज पूरी शुरू से लेकर एंड तक देखना, जिसमें आपको मैंने एक एक डिटेल सारी बहुत ज्यादा चीजों मतलब सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में बताई है कि कैसे आप इंडिया से थाईलैंड जाएंगे, कैसे आपको एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन करनी है, क्या प्रोसेस रहता है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज रहती है, फिर आपको वहां से कैसे ट्रेवल करना है, कौन से एरिया में आप होटल्स बुक कर सकते हो अच्छे बजट होटल अच्छे एरिया में, ठीक है, खाना क्या खाना है, कैसे आप बजट में खाना खा सकते हो, कैसे आपको ट्रेवल्स करने, कैसे अपने टूर पैकेजेस बुक करने, सारी चीजें मैंने अपनी सीरीज में बहुत ज्यादा डिटेल में बता रखी। तो इस सीरीज को बिना स्किप करें हर एक एपिसोड को बहुत अच्छे से देखना। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है और आप प्लान कर रहे हैं अपनी इंडिया से थाईलैंड की ट्रिप में, जिसमें आप जाने वाले खुद से, ठीक है, बिना किसी पैकेज वगैरह के, और आपके काफी सारे डाउट्स रहते हैं, अगर आपका पहला इंटरनेशनल ट्रिप है या दूसरा तीसरा भी है और आपको फिर भी कोई डाउट्स है, तो आप यूज कर सकते हैं मेरी पेड कंसल्टेशन सर्विस, ठीक है, जिसमें जिसका चार्ज रहेगा सिर्फ 300 रुपीज। 300 रुपीज में आप मेरे साथ एक मीटिंग सेटअप कर सकते हो, जिसमें आप अपने सारे डाउट है, जो अपनी पहली इंटरनेशनल ट्रिप जो कि थाईलैंड में रहने वाली है, उसके सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो कि कैसे है जो मतलब आप जाने वाले, क्या इमिग्रेशन का प्रोसेस रहेगा, कैसे आपको पैकिंग करनी है, कैसे आपको फ्लाइट बुक करनी है, कैसे आपको होटल्स बुक करने हैं, कितने दिन के होटल बुक करने पड़ेंगे, कितना कैश ले जाना पड़ेगा, क्या बेटर डील्स रहेंगी, क्या क्या आपको टूर पैकेजेस वहां पे करने चाहिए, कौन कौन सी जगह है जो हम घूम सकते हैं, ऐसे अनगिनत सवालों के जवाब है जो आप मेरी पेड कंसल्टेशन सर्विस में ले सकते हो, जिसमें मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूं आपको इंडिया से थाईलैंड टूर के बारे में। तो बाकी आपको आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें मैंने अपना सारा टॉपिक है जो अच्छे से क्लियर किया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह है मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर आप मुझे कॉन्टेक्ट करना चाहते हो तो ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ट्रैवल विद बंटी, सर्च करोगे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो या नीचे कॉमेंट्स कर सकते हो, कॉमेंट्स में मैं आपको, ठीक है, अपना इंस्टाग्राम हैंडल मेंशन कर दूंगा, जहां पे आप मुझे मैसेज करके अपने सारे डाउट्स वगैरह जो क्लियर कर सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो थाईलैंड जा रहे हैं।